के रामनगर इलाके में चल रहे अवैध कारोबार के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटा। रामनगर के रहवासियों ने गुड़ियारी थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद थाना प्रभारी से चौकी प्रभारी की शिकायत की। रहवासियों की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि रामनगर चौकी प्रभारी के संरक्षण में इलाके में गांजा, सट्टा, जुआ और अवैध शराब का जो कारोबार है वो हो रहा है। शाम के समय यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं होती है, चाकूबाजी की घटनाएं होती है। चौकी प्रभारी से इसकी शिकायत करने पर कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे कि बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। राजधानी में अपराध का ग्राफ यूं ही नहीं बढ़ गया, कहीं ना कहीं इसके लिए जो है स्थानीय थाना प्रभारी जिम्मेदार है और इसकी बानगी राजधानी रायपुर में आज देख है। गुड़ियारी इलाके के लोग जो है आज गुड़ियारी थाने का घेराव करने पहुंचे। आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया है और यहां पर जो है नागरिक जो है जमकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। नागरिकों का कहना है, साफ कहना है कि जो चौकी प्रभारी है रामनगर के, उनकी जो है अपराधियों के साथ सांठ गांठ है। धुआं और सट्टे का अड्डे चल रहे हैं, गांजा बिक रहे हैं, अवैध शराब बिक रहा है। वे अवैध धंधे को बंद करने की मांग को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों थाने का घेराव कर। आप लोग थाना घेरने आए हैं, क्या हो गया, क्या नाराजगी? हमारे क्षेत्र में रामनगर में शीतला मंदिर है और वहाँ के अध्यक्ष है समिति के, इनको ऊपर इल्जाम लगाया गया कि अध्यक्ष द्वारा यहाँ पर गांजा बिकवाया जाता है, इनके द्वारा पैसा लिया जाता है, ऐसा करके ये कलेक्शन करता है करके इनके ऊपर इल्जाम लगाया गया। इसी के विरोध में हम सब जनमानस पूरे रामनगर के जनमानस आए हैं और विरोध दर्ज करा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। हमारे समिति के अध्यक्ष हैं और वो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारा गांजा दारू बिकता है, हमें मालूम है रामनगर में बहुत सारा बिकता है। पुलिस प्रशासन बोलता है कि आप बताइए कहाँ बिकता है। भैया, सबसे पहले पुलिस को मालूम चलता है कहाँ पर गांजा बिकता है और कहाँ पर दारू बिकता है। हम किसी से क्यों दुश्मनी लें कि तू गांजा बेच रहे कि दारू बेच रहा है? और ऐसे अध्यक्ष के ऊपर इल्जाम लगाने से अच्छा है कि अपने अपने कारोबार में झांकें और देखें कि हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमारे अध्यक्ष के ऊपर इल्जाम लगाएं। ये सब अवैध रूप से कार्य कर रहे हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और इसे ना रामनगर चौकी प्रभारी से भी निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि थोड़ा ध्यान दें, इतना चाकूबाजी, इतना गोली, इतना टेन, इतना झगड़ा लड़ाई हो रहा है, थोड़ा ध्यान दें। धन्यवाद। आज यहाँ पर लोगों का आक्रोश फूटा है। कैमरामैन अरुण कुमार के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर।